छत्तीसगढ़ जगदलपुर से लगे आड़ावाल में निजी स्कूल द्वारा मनमानी किए जाने का मामला सामने आया है। आड़ावाल के ज्ञानोदय हाई स्कूल में वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को स्कूल प्रबंधन ने तकरीबन 50 बच्चों को वार्षिक परीक्षा में बैठने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि इन छात्रों की पूरी फीस जमा नहीं हुई थी। प्रबंधन ने बच्चों को फीस जमा होने के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की बात कही है, जिसको लेकर विवाद हो गया। जगदलपुर से संवाददाता विजय पचौरी की रिपोर्ट। विष्णुपद राय है, मैं ओरला कैंप आड़ावाल से हूँ। मेरे बच्ची 6B में पढ़ती है, तो मैं किसी कारणवश फीस जमा नहीं कर पाया, तो लेट होने के कारण मैं लाइन में खड़ा था। मैं बोला अपने बच्चे को एग्ज़ाम में बिठाया जाए, तो उन्होंने बोला यहाँ अभी ऐसा नहीं होगा। तो मैं 11:30 बजे करीबन मेरा फीस पटा, मेरा लाइन पहुँचा, मेरा नंबर पहुँचा, तो मैं फीस पटाया। उसके बाद 1.5 घंटा बाद मेरा बच्ची को एग्ज़ाम में बिठाया गया। दूसरी बात, फीस मात्र बची हुई थी 6,500 रुपया फीस बची थी। तो दूसरी बात, बाकी 60-65 बच्चे यहाँ रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मगर उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ, वापस चले गए। फिर आनंद फनन में बीओ ऑफिस से कोई साहब आए थे, तो 4-5 या 7 बच्चे यहाँ बैठे थे, उनको क्या है बोलने के बाद उनको एग्जाम में बिठाया गया 11:30 बजे, बाकी वापस गए। और दूसरी चीज़, हम अपने बच्चे को क्या है बयान में भेजते हैं, तो वायदे भाई 1 मिनट लेट हो जाता है या 2 मिनट लेट हो जाता है, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा फीस वसूला जाता है। यहाँ शिक्षा के नाम पे पूरा मनमानी हो रही है, लूट हो रही है। और दूसरी चीज़, यहाँ वंदे मातरम या राष्ट्रीय गान ये सब नहीं होता है, माइक द्वारा बजाया जाता है। कोरोना काल में भी पूरी हमसे पूरी फीस वसूली गई है। और सर, क्या शिकायत मिली यहाँ से परिजनों से? आप मौके पर पहुँचे, क्या देखा और क्या गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था क्या? मैंने यहाँ संजीव संचालक लोक शिक्षण को शिकायत मिली है कि यहाँ के 8 बच्चों को जो है बाहर निकाल दिया गया, परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। तो उनके द्वारा जो है फ़ोन पर ये कहा गया कि आप जाँच करके आओ कि क्या मामला है वहाँ पर। ठीक, तो उसी के तारतम्य में मैं आया था यहाँ पर। पालकों से बात हुई है, जिसका उन्होंने शिकायत की है कि मैं परीक्षा फीस पटाने भी आया था, बता रहा तो भी बच्चों को नहीं बैठने दिया गया। ये बहुत गंभीर मामला है। पूरी रिपोर्ट मैं अपने उच्च अधिकारियों को सौंपूंगा इस मामले में। प्राचार्य उपप्राचार्य से बात करना चाहा कि उनका पक्ष जान ले क्या है, तो वो दोनों मीटिंग में हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। मुझे उनका पक्ष मैं नहीं जान पाया इस मामले में, उनसे मिलने के लिए फिर से आऊँगा मैं।